हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू अवर चैप्टर यूनिट 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग द स्टोरी ऑफ मार्क ट्वेन टॉम सॉयर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर रिटन बाय मार्क ट्वेन पार्ट 1। So activity, let me start our activity 2. I had completed activity 1 in my previous period. Now we will continue this chapter and activity 2. Activity 2, read the story Strong Desire, Wise Action from the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain Part 2. Tom kept working, but soon he began to think of the fun planet for this day. Tom अपना काम चालू रखता है, लेकिन जैसे वो चालू किया काम, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचने का चालू किया किसके बारे में, द फन प्लानेट फॉर दिस डे, उस दिन के लिए जो उसने एंजॉय करना था, उसके बारे में जो प्लानिंग किया था, उसके बारे में वो सोचने लगा कि आज तो उसको जो फ्रेंड के साथ जाना था वो प्लानिंग किया था, वो उसके बारे में उसने सोचा। He and Huck had planned to race down to the river. उसने और उसका फ्रेंड जो हक था, और दोनों ने रिवर बैंक पे जाने के उसको रेस लगानी थी, वो सोचा था, and go swimming, और स्विमिंग भी करने की थी। His hands moved more slowly. उसके जो हाथ थे वो बहुत धीरे से पेंटिंग करने लगे, मूड स्लोली, धीरे घूमते थे। Soon the other boys would come and laugh at him for working. तुरंत दूसरे बच्चे भी आए, would come and laugh at him for working, जो काम कर रहा था उसके बारे में वो हंसने लगे। From his pocket he took everything that he wanted. उसके पॉकेट में से He took everything, उसने जो पाया था वो सब चीज उसने लिया। He looked at him, और उसने उसके सामने देखा, जो चीजें उसको मिली थी उसके बारे में देखा। There was nothing of real value, उसकी कोई real value नहीं थी। It was not enough to buy another boy's help, उससे कोई दूसरे बच्चों की help ले सके ऐसा कोई चीज था नहीं। At this dark moment, a wonderful idea came to him. उस dark moment में, at this dark moment, a wonderful idea came to him. Dark moment मतलब time of disappointment. यहाँ पे dark moment का मतलब क्या होता है? निराशा भरे। वो ही निराशा भरे इस time में, क्षण में, उसको एक अच्छा अद्भुत विचार आया। It was like a great bright light. वो एक बहुत अच्छा सा महान और एक तेजस्वी विचार आया। He took his brush and went quietly to work. उसने अपना ब्रश लिया और धीरे से शांति से अपना काम चालू किया, पेंटिंग का काम। Ben Rogers appeared soon. तुरंत एक Ben Rogers नाम का उसका फ्रेंड दिखाई दिया। Tom had been especially afraid of Ben's laugh. Ben's की जो मजाक करने की जो उसकी जो नेचर था, उसका जो मजाकिया नेचर था, उससे टॉम पहले से डरता था। Ben was eating an apple.
बेन एप्पल खा रहा था, क्या खा रहा था, एप्पल खा रहा था। ऑल्सो एज ही वॉज मेकिंग नॉइसिस लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट, और वो जब काम कर रहा था तब वो आवाज़ भी निकाल रहा था जैसे कि कोई बड़ी सी रिवर बोट हो। ही वुड शाउट लाउडली, और वो जोर से चिल्ला रहा था। देन ही वुड से, बाद में वो कहता था डिंग डोंग डोंग, ऐसी आवाज़ निकलता था लाइक अ बेल, कोई बेल जैसी, बेल बजता हो ऐसे डिंग डोंग डोंग ऐसे आवाज़ निकलता था। देन ही वुड शाउट अगेन, और बाद में वो फिर से ऐसी आवाज़ निकाला और बोलता था डिंग डोंग डोंग, ऐसी बेल जैसी आवाज़ निकलता था। अगेन एंड अगेन अदर स्ट्रेंज नॉइसेस, और बार बार वो कोई विचित्र आवाज़ें निकालता था। ही वॉज द बोट, एक बोट था, मतलब बोट जैसा बन के आया था। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द बोट, और वो बोट का कैप्टन भी था। एंड ही वॉज द बोट बैल, और बैल भी खुद बजाता था, मतलब वो तीनों चीज अपने आप खुद को बोल के आवाज़ निकाल के ऐसा बनता था। टर्न हियर ही शाउटेड, उसने बोला, खुद ने कमांड दिया कि टर्न, उसको टर्न करो बोट को, स्लो हॉर्स, उसको स्लो करो, स्टॉप स्टॉप करो। ही मेड अ स्लो केयरफुल टर्न, केम क्लोज बिसाइड टर्न एंड स्टॉप, उसने धीरे किया बोट को, सावचेती से टर्न लिया और बिल्कुल टॉम के पास ले गया नज़दीक और वहाँ पे रुक गया। टॉम कंटिन्यूस पेंटिंग, टॉम ने तो अपना पेंटिंग कंटिन्यू रखा। ही डिड नॉट लुक एट हर द बोट, उसने बोट के सामने देखा नहीं। बेन सेड हेलो यू आर इन ट्रबल, नो आंसर। हेलो यू आर इन ट्रबल, बेन ने बोला क्या तुम तकलीफ में हो, नो आंसर, कोई आंसर मिला नहीं। टॉम मूव हिज ब्रश जेंटली एंड लुक्ड एट द रिजल्ट, टॉम ने अपना ब्रश को चालू रखा जेंटली और उसको देखने लगा कि रिजल्ट कैसा है, कैसा रिजल्ट मिलता है। बेन केम नियरर, बेन उसके पास गया। टॉम विश फॉर एन द एप्पल बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज बर्न, बेन नज़दीक गया। टॉम विश फॉर एन एप्पल, टॉम तो वो एप्पल की इच्छा हो गई थी टॉम को खाने के लिए, बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, लेकिन उसकी काम में से वो ऐसे मुड़ा नहीं। बेन सेड हेलो यू मस्ट वर्क, मस्ट यू, बेन ने बोला हेलो यू मस्ट वर्क, तुमको काम ही करना पड़ेगा, तुमको काम ही करना है, मस्ट यू क्या नहीं करना है। टॉम टर्न सडनली, ओ बेन इट्स यू इज इट, आई डिड नॉट सी यू। टॉम ने एकाएक अपना अपने आप को उसके सामने देखा, टर्न किया। टॉम टर्न सडनली, एकाएक वो मुड़ा, ओ बेन, अरे बेन इट्स यू, क्या तुम हो, इज इट, क्या सही है, आई डिड नॉट सी यू, मैंने आपको देखा नहीं था। आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम, मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ। डू यू विश यू कुड गो विथ मी, क्या उम्मीद रखते हो कि आप मेरे साथ आ सकूँ, और वुड यू रादर वर्क, आप काम करने से अच्छा मेरे साथ स्विमिंग करने आओ अच्छा लगेगा। टॉम सेड व्हाट डू यू मीन वर्क, टॉम ने बोला आप काम किसको कहते हो, दिस इज वर्क, डैट इज वर्क, वो काम है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी बट इट्स अ फाइन फॉर टॉम सेड। टॉम ने अपना पेंटिंग, टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, उसके पेंटिंग के करते करते वापस आते बोला इट मे बी वर्क, शायद वो काम भी है, एंड इट मे बी नॉट, नहीं भी है,
वो काम है और नहीं है, लेकिन एक टॉम सॉयर को तो लिए वो एक अच्छा है। डू यू मीन डैट यू एंजॉय इट, उसका मतलब तुम इसको एंजॉय करते हो, उसके साथ तुम्हें मजा आती है, एंजॉय इट। डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फैंस एवरी डे, एंजॉय इट मतलब उसकी मजा लेते हो क्या। डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फैंस एवरी डे, क्या एक लड़के को एक इतना फैंस हर रोज पेंट करने का कोई चांस मिलता है। हियर वॉज अ न्यू आइडिया, वहाँ पे एक नया विचार आया। बैन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, बैन ने अपना एप्पल खाने का स्टॉप किया। टॉम मूव हिज ब्रश, टॉम ने तो अपना ब्रश को घुमाया। स्टेप अवे टू लुक एट द रिजल्ट, और थोड़ा दूर होके अपना रिजल्ट देखने लगा। एडेड अ लिटल पेंट हियर एंड देयर, और वो यहाँ पे वहाँ पे पेंटिंग का उसका ब्रश पेंटिंग करने के लिए घुमाता रहेगा। स्टेप अवे अगेन, फिर से आगे बढ़ा। बैन वॉच, बैन उसको देखने लगा। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा। देन ही सेड, बाद में उसने बोला, टॉम लेट मी पेंट अ लिटल, मुझे भी थोड़ा सा तो पेंट करने दे। टॉम थॉट, टॉम ने थोड़ा विचारा। देन ही सेड, बाद में बोला, नो बैन, बैन आपको नहीं दूंगा मैं। आंट पॉली वॉन्ट्स दिस फैंस टू बी परफेक्ट, आंट पॉली को ये दीवार है ना उसका काम परफेक्ट चाहिए। इफ इट वॉज द फैंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हैव, अगर वो बाहर की दीवार होती ना तो मैं आपको दे देता, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर की है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। बट दिस फैंस बिसाइड द स्ट्रीट, लेकिन ये तो रास्ते के सामने की दीवार है, समझे, मतलब वो नहीं दे सकता। मस्ट बी डन एवरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, मतलब ये तो बहुत अच्छी तरह से ही होनी चाहिए। देयर इज नॉट वन बॉय इन अ थाउजेंड हु कैन डू इट वेल, देयर इज नॉट वन बॉय, ऐसा कोई ऐसा लड़का नहीं है इन अ थाउजेंड, मतलब हजारों में से कोई ऐसा एक लड़का, हु कैन डू इट वेल, जो इसको अच्छी तरह से कर सके। ओ टॉम लेट मी ट्राई, अरे टॉम मुझे ट्राई करने दे। ओनली अ लिटल, थोड़ा सा। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखूँगा। टॉम आई विल गिव यू अ पार्ट ऑफ माई एप्पल, मैं आपको मेरा एप्पल का पार्ट दूंगा। नो बैन आई एम अफ्रेंड, नहीं बैन मुझे डर लगता है। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं पूरा एप्पल दूंगा, पहले आधा बोला लेकिन आप पूरा। टॉम गेव द ब्रश टू बैन स्लोली बट विथ अ जॉय इन हिज हार्ट, टॉम गिव अ ब्रश टू बैन स्लोली, धीरे से उसको टॉम ने बैन को दिया ब्रश, बट विथ अ जॉय, मतलब दिल में तो बहुत आनंद हुआ उसको देने से, आनंद हुआ क्योंकि वो चाहता था कि वो काम करे, लेकिन ये उसने बहुत अच्छी पॉलिसी से ये दिया। एंड वाइल द बॉय हु अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर हैड बीन अ रिवर बोट वर्कर बिकेम अ हॉट इन द सन, और थोड़े टाइम के लिए ये जो लड़का जो रिवर बोट बन के आया था, रिवर बोट का काम करने वाला, अभी क्या बन, एक सन की गर्मी में, सूर्य की गर्मी में वो क्या हो गया, हॉट, बिकेम हॉट इन द सन, गर्मी में वो गर्म हो गया। टॉम सैट अंडर द ट्री, और टॉम तो झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प, और वो प्लानिंग कर रहा था दूसरे लोगों की कैसे हेल्प लू, उसका प्लानिंग कर रहा था और एप्पल खाता था। देयर वर इनफ बॉयज, और उसके लिए तो इनफ थे लड़के। दे केम अलोंग द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट से आए। स्टॉप टू लाफ, और अपना हंसना बंद किया। बट रिमेन टू पेंट, बट रिमेन टू पेंट, बाकी का जो पेंट था वो। आफ्टर बैन बिल फिशर पेंटेड, बैल के बाद बिल फिशर ने पेंट किया। देन जॉन मिलर केम, जॉन मिलर आया। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क, और काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने
चुकाया। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज वेरी रिच। दोपहर तक तो टॉम बहुत धनिक हो गया, मतलब बहुत सारे खिलौने मिले उसको, बहुत सारा खाना मिला और खिलौने भी मिले। ही हैड मैनी प्ले थिंग्स, अ स्मॉल कैट विथ वन आई, अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास एंड मच मोर। उसके पास तो बहुत सारे खिलौने आ गए, छोटी सी कैट आई जो उसकी एक आंख वाली छोटी सी कैट आई, अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास और टूटे हुए कांच के टुकड़े आए, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आई। एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसने काम किया नहीं। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 times, और पूरी दीवार 3 times तो उसकी वाइट वॉश हो गई। देर वॉज नो पेंट मोर, अब तो कुछ ज़्यादा पेंटिंग था नहीं। विथ मोर पेंट टॉम वुड सून हैव ऑनेड एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द अदर बॉय। अच्छी पेंटिंग, ज़्यादा पेंट होने के अलावा टॉम के पास खुद की बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो दूसरे बच्चों के पास थी वो इसके पास आ गई। एंड द अदर बॉय इन द विलेज वुड हैव ऑनेड नथिंग, और दूसरे बच्चों के पास कुछ रहा नहीं। टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ, उसने एक अच्छा सा लॉ डिस्कवर किया, ह्यूमन एक्शन, एक ह्यूमन बीइंग की जो काम करने की, जो काम दूसरों के पास कराने की जो एक अच्छा तरीका उसने निकाल दिया। अ मैन और बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज नॉट ईजी टू गेट। अ मैन और बॉय, एक इंसान और एक लड़का डिजायर, होप रखता है, उम्मीद रखता है। विल डिजायर मतलब वो डिजायर करेंगे समथिंग कुछ, इफ इट इज नॉट ईजी टू गेट, अगर वो हमारे लिए पाने के लिए इजी नहीं है तो ऐसे ही उम्मीद रखेंगे। सो फ्रेंड, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, व्हाट फन वॉज प्लानेड बाय टॉम एंड हक फॉर दैट डे। उस दिन टॉम और हक ने क्या फन के लिए क्या प्लानिंग किया था। व्हाट फन वॉज प्लानेड बाय टॉम एंड हक फॉर दैट डे। टॉम और हक के ने दोनों ने क्या प्लानिंग किया था एंजॉयमेंट के लिए। टॉम एंड हक हैड प्लानेड टू गो डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। टॉम और हक ने प्लानिंग किया था टू गो डाउन टू द रिवर, रिवर में जाने का, रिवर बैंक पे जाने का और स्विमिंग करने का। व्हाई डिड टॉम फंबल हिज पॉकेट। टॉम ने अपना पॉकेट को क्यों फंबल किया, फंबल करना मतलब देखना। टू अवॉइड द टेडियस जॉब ऑफ प्लानिंग द फेंस, टॉम वॉन्टेड टू बाय हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर बाइंग अनदर बॉयज हेल्प। ही फंबल हिज पॉकेट इफ ही कोड फाइंड एनीथिंग ऑफ रियल वैल्यू डैट कोड बाय हिम द हेल्प। टॉम ने इसलिए अपना पॉकेट फंफोसा, फंबल करना मतलब जांच करनी, तपास करने की कि अंदर जेब में कुछ है कि नहीं। टू अवॉइड द टेडियस जॉब ऑफ पेंटिंग द फेंस, मतलब ये जो काम था दिया था फेंसिंग का, वो बहुत टेडियस मतलब वो हमको बोरिंग लगे ऐसा काम था, उसको उससे बचने के लिए दूसरों बच्चों की हेल्प चाहिए थी। टॉम वॉन्टेड टू बाय हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, के फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए थी। फॉर बाइंग अनदर हेल्प बॉयज हेल्प, मतलब दूसरों बच्चों की हेल्प खरीदने के लिए। ही फंबल हिज पॉकेट, से उसने अपना पॉकेट को फंबल किया। इफ ही कुड फाइंड एनीथिंग ऑफ रियल वैल्यू, जो इसकी कोई रियल वैल्यू हो ऐसी चीज फाइंड किया, डेट कुड बाय हिम द हेल्प, जो उसकी वजह से वो हेल्प ले सके। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2 ऑल्सो, एंड वी विल डिस्कस
अबाउट वैकेंसी 3 इन नेक्स्ट पीरियड. जय स्वामीनारायण.